कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार, अब तक 11 राज्यों में मिले केस। सांसद शफीकुर रहमान के बाद अब सपा के एक और एमपी ने दिया है विवादित बयान, एसटी हसन की फिसली है जुबा। पश्चिम बंगाल सरकार के पेगासस जांच आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस किया जारी। लखनऊ में अमित शाह की रैली, बोले निषाद समाज की भीड़ बता रही है बीजेपी का रिकॉर्ड। लखीमपुर खान कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे पर सियासी घमासान जारी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। समाजवादी पार्टी का विजय रथ रायबरेली पहुंचा, टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ अखिलेश यादव का स्वागत किया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। सपा की विजय रथ यात्रा 17 और 18 दिसंबर तक जिले के 6 विधानसभाओं में घूमकर आम जनता से जनसंपर्क करेगी। विजय रथ यात्रा अपने पहले दिन को लेकर अखिलेश यादव वचरावा विधानसभा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को निशाने पर लिया और समाजवादी पार्टी के कार्यों को गिनाते हुए सीएम योगी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि बाबा 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी विकास की गति शून्य बनी हुई है। सदर के औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी नुमाइश मैदान में बसपा का मंडल स्तरीय सम्मेलन, विशाल जनसभा में बसपा के राष्ट्रीय सचिव पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा का ये पूरी रैली आयोजित की गई थी। मंच पर उपस्थित मंडल स्तर के नेताओं ने सतीश मिश्रा का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। मंच पर मौजूद जिलाध्यक्षों समेत घोषित हो चुके प्रभारी प्रत्याशियों ने भी माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने बसपा पार्टी की नीतियों समेत बसपा सुप्रीमो पूर्व सीएम मायावती के कार्यकाल की प्रशंसा की। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि भाजपा और सपा ने सिर्फ जनता के साथ छलावा किया है, महिलाएं असुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। आगे राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, जिसे 100 में से 100 नंबर झूठ बोलने के लिए ही दिए जा सकते हैं। देखिए, ये मंडली कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये 7वां आज है और इसके बाद हमारा 31 तारीख तक लगातार रोज ये मंडली कार्यक्रम है, जहां पर खास तौर से जो रिजर्व सीटें हमारी हैं उनके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं सीटों में जाकर के करने का काम कर रहे हैं। और हमारी 86 सीटें जो हैं इनमें हमारी हम इसमें मजबूती देने के लिए और इन 86 की 86 सीटों को जितवा करके बहन मायती जी की झोली में डलवाने के लिए हम लोग इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग 403 में से 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो वो गठबंधन कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो गठबंधन कर। वहीं अम्बेडकर नगर में बीजेपी जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों से यह यात्रा निकाली जाएगी। अवध क्षेत्र के यात्रा लोहिया की धरती अम्बेडकर नगर से शुरू होगी, जिसे 19 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो जनपद के 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। 15 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न विभिन्न जनपदों में जाएगी। वहीं यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले हवाई पट्टी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। दिनांक 19 दिसंबर को अकबरपुर हवाई पट्टी पे
भारतीय जनता पार्टी की 6 यात्राएं 6 क्षेत्रों में निकल रही हैं। उसमें से अवध क्षेत्र में यात्रा संख्या 4 जो है उसका शुभारंभ लोहिया की इस पावन धरती अम्बेडकर नगर से हवाई पट्टी मैदान पे एक जनसभा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा झंडी दिखा करके यात्रा को रवानगी करनी है। यह यात्रा वही अगली खबर चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में बाल कल्याण वृद्धि योजना के तहत एक बीमार बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी उठाई गई। बाल कन्या वृद्धि योजना संस्था के पदाधिकारियों ने योजना के तहत बिछिया के रोशन यादव को बीमारी में खर्च के लिए 6,000 रुपए का चेक दिया। खास बात यह रही कि योजना के तहत कक्षा 2 से 10 तक के छात्रों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। नुबिया इंटरप्राइजेस के CSR फंड से संचालित होने वाली योजना से गरीब असहाय छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। इस योजना के जिला कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार ने बताया कि छात्रों का केंद्र पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख का अनुदान, 12वीं के टॉप 5 बच्चों के संस्थान की तरफ से ग्रेजुएशन की पूरी फीस जमा की जाएगी। इसके अलावा अनाथ बच्चों को 2 साल तक 2,500 रुपए मिले। वहीं 11वीं तक के 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। मेरा नाम संजीव कुमार, मैं नुबिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी से बाल कन्या वृद्धि योजना के तहत काम करता हूँ। आज आप इस तक क्या आयोजन था आपके? मेरे यहाँ एक बच्चे का तबीयत खराब हुआ था और वो मोगसराय हॉस्पिटल में भर्ती था और उसका 6,000 का चेक बना और उसका खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा 6,000 आया था और 6,000 चेक बना, क्योंकि वो कार्ड बनवाया था बाल कन्या वृद्धि योजना में और उनका स्वास्थ्य बीमा था भी। बाल कन्या वृद्धि योजना जो संचालित हो रही है, इसको इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? बच्चों कम से कम बच्चे कक्षा 2 में पढ़ें, 2 से लेकर 10 तक बच्चों का पढ़ाई के तहत ही। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शातिर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विशेष टीम और थाना सिविल लाइंस पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के में वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गिरफ्तार हुए अभियुक्त के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। बदायूं में सिविल लाइंस और सिटी के जो थाने थे, सिटी में मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी और सीओ सिटी और एसपी सिटी के नेतृत्व में थाना सिविल लाइंस की टीम लगी हुई थी। इसमें कल एक अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है, इमरान नाम है, जो सिविल लाइंस क्षेत्र का ही रहने वाला है। इनके पास से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर कनेक्ट करके इनके जो चोरी हैं, जो इनके ओनर्स हैं, उनके पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये डुप्लीकेट चाबी के द्वारा जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे कचहरी है, हॉस्पिटल है या बारात के स्थल हैं, उनमें भीड़ का फायदा उठा करके। वहीं फरीदाबाद में 4 दिन से लापता 8वीं के छात्र का शव मिलने के बाद भले ही पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान में रखवा दिया हो, लेकिन मृतक छात्र के परिजन और उसके समर्थक सिविल अस्पताल बादशाह खान पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि समय रहते अगर जांच अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो और ज्यादा हंगामा किया जाएगा। वहीं इस मामले में ACP सुखबीर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एक आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों पर हत्या का शक जताया गया, जिसमें से एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे 2 अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 3 दिन पहले की घटना है। 14 वर्षीय बच्चा
एक नंबर मार्केट से मिसिंग था। उसके पिता ने अपने लेवल पर उसकी छानबीन की, नहीं मिला तो पुलिस को शिकायत दी 14 तारीख को। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और इसमें जांच चल रही थी, उसके पिता ने बताया था कि उसका बेटा अक्सर एक नंबर मार्केट में गौरव नाम का लड़का है जिनकी रेहड़ी की लगाते हैं कचौड़ी की, उस पर अक्सर जाता रहता था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा उसी एंगल से शुरू किया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें एक ऑटो में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए, ऑटो को डिटेक्ट किया नंबर प्लेट के आधार पर, उसके मालिक तक पहुँचे ऑटो मालिक तक, आज ऑटो मालिक को आज काबू किया है और उसी से पूछताछ पर उस बच्चे की जो डेड बॉडी है, एक खालसा वेंकट होल है उसके पीछे झाड़ियाँ हैं वहाँ से उसको बरामद किया गया है। बच्चे की डेड बॉडी को बीके हॉस्पिटल ले जाया गया है। मौके पे ACP श्री सुखबीर सिंह जी हैं, SHO डब्बा हैं और उससे आपको बता दें कि फरीदाबाद से पूरा मामला सामने आया है जहां पर मृतक के छात्र के परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल एक बच्चा अगवा हो गया था जिसके बाद से लगातार पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब परिजनों का इस प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि 8वीं का छात्र था जिसका शव बरामद किया गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिविल अस्पताल बादशाह खान के बाहर मृतक के परिजनों का हंगामा देखने को मिला है जहां पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। जांच अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने की भी इस पूरे मामले में मांग की गई है। आपको बता दें कि हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि समय रहते अगर जांच अधिकारी कार्रवाई करते तो ये हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि इस मामले में एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है जिसने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि युवक की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद उसका शव को उन्होंने जंगल में फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने फिलहाल शव को बरामद कर लिया है। वहीं अगली खबर मैनपुरी से है जहां फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्री एक्टिवेटेड सिम को ओडिशा और कई राज्यों में मोटी कीमत पर बेचा जाता था। पुलिस इस फ्रॉड गैंग की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। अभियुक्त विकास फिलहाल लखीमपुर खीरी में रह रहे थे। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई। अभी तक 169 एक्टिवेटेड सिम कार्ड, आधार कार्ड समेत बायोमेट्रिक मशीन बरामद किए जा चुकी है। पिछले दिनों हमारे पुलिस मुख्यालय स्तर से साइबर जागरूकता का एक अभियान चलाया गया था पूरे स्टेट वाइज, तो उसी के बाद हम लोगों ने इस पर काम भी शुरू किया था और हमारी साइबर सेल की टीम ने इस पर कुछ दिनों से लगातार सर्विलांस कर रही थी और दो शातिर अपराधी जिसमें कि लोकेश और विकास बेसिकली सीतापुर के रहने वाले हैं लेकिन लखीमपुर खीरी में ये लोग रह रहे थे और ये लोग दो ऐप के माध्यम से, पहला तो ये फेक आईडी मेकर ऐप के माध्यम से फेक जो है ये आधार कार्ड बनाते थे और उसके बाद फिर बेस्ट कार्ड प्रिंट इन साइट पर जा करके ये आधार या फिर ये पैन कार्ड और इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, उस आधार पर सिम प्राप्त करना और सिम को फिर शातिर जो ठग हैं उड़ीसा, जामताड़ा, झारखंड में, दिल्ली, जो साइबर जो ठग हैं उनको ये बेचते थे। वही संभल में राशन डीलर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि कम राशन देने के साथ राशन डीलर ने उपभोक्ताओं के साथ बदसलूकी की और लोगों के रिफाइंड मांगने पर दबंग डीलर ने वो भी देने से मना कर दिया। अब इस बदसलूकी के मामले में दबंग राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के साथ लोगों ने जानकारी दी कि दबंग डीलर सरकार के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। वायरल वीडियो पवासा ब्लॉक का बताया जा रहा है। तो संभल से यह पूरा मामला सामने आया है जहां दबंगई का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर राशन डीलर पर दबंगई करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि
पीड़ितों ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि कम राशन राशन डीलर के द्वारा दिया जा रहा था। वहीं जब उपभोक्ताओं ने इसके लिए आवाज उठाई तो राशन डीलर उनके साथ बदसलूकी करने लगा। लोगों ने आरोप लगाया कि राशन में मिलने वाले रिफाइंड ऑयल को लेकर भी अब राशन डीलर घपला कर रहा है और उन्हें रिफाइंड नहीं दे रहा है। जब लोगों ने राशन डीलर से रिफाइंड मांगा तो दबंग डीलर ने उन्हें रिफाइंड देने से मना कर दिया और अब उनके साथ वो बदसलूकी कर रहा है। पूरे मामले का वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गल्ला लेने आया। कहां पे? मऊर। क्या नाम है राशन डीलर का? सात किलो गल्ला है मेरा, इसमें 40 किलो गल्ला देते हैं। यूनिट कितने आपके? 12 हैं। फिर क्या हुआ? तो अब 40 किलो उन्होंने मुझे गल्ला दिया जी, रिफाइंड और चने बिल्कुल नहीं दिए, जिसमें मैंने कर दिए थे गल्ला नहीं, वो रिफाइंड वो नहीं चने। और दूसरे वाले कमरे में रखे थे सब कुछ इनके पास, वो कह रहे पकड़ा मेरा। मारा किसने आपको? डीलर ने। डीलर नहीं, गल्ला कम देते हैं। कम देते हैं और जो सामग्री जो आई है नमक और दाल आपका रिफाइंड ही नहीं दिया। नहीं रिफाइंड दिया, नहीं चने। तो संभल से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां लगातार केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से गरीब जनता के लिए मुफ्त राशन की सुविधा तो लागू कर दी गई है, बावजूद इसके अब ये जो स्थानीय स्तर पर राशन डीलर है अब वही दबंगई करते और लोगों के साथ बदसलूकी करते हुए देखे जा रहे हैं। ये पूरा मामला संभल के पंवासा ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां पर राशन डीलर जो है वो दबंगई करता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर दबंग डीलर जो है वो लोगों का राशन खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरे मामले में जो आला अधिकारी है वो मौन बने हुए हैं। जब प्राइम टीवी ने जिलाधिकारी संभल से इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश की तो वो इस पूरे मामले से अनजान दिखाई दिए। उन्होंने प्राइम टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में जानकारी ही नहीं है। जिस तरह से संभल से सोशल मीडिया पर ये पूरा मामला वायरल हो रहा है, दबंग डीलर साफ तौर पर देखा जा सकता है जो राशन ना दे रहा, राशन नहीं देने के साथ साथ बदसलूकी भी लोगों के साथ कर रहा है। ऐसे में जहां आला अधिकारियों को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, वहीं अब जो इस पूरे मामले पर आला अधिकारी मौन बने हुए हैं और जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि उन्हें इस पूरे मामले के बारे में जानकारी तक नहीं है। जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गरीबों तक मुफ्त राशन पहुंचे, उनकी जरूरी सुविधाएं जो जरूरी चीजें हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। तो जिस तरह से स्थानीय प्रशासन की ये घोर लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के लिए ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि किस प्रकार से ये जो राशन वितरण है इसमें खुलेआम संभल में धांधली हो रही है। ऐसे में जो आला अधिकारी है उन्हें उन पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए, वो उल्टा इस पूरे मामले से अनजान बने बैठे हैं। संभल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पूरे देश में ये वीडियो फैल चुका है, सब इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वहां का स्थानीय प्रशासन ही इस पूरे मामले पर अनजान बना है। उन्हें पता ही नहीं है कि कब ये पूरा मामला सामने आया है, कार्रवाई तो दूर की ही बात है। अब बताइए इस पूरे मामले पर अब ये जिस तरह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसका हल किस प्रकार से निकलेगा। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संभल संवाददाता मुबारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुबारक, जिस तरह से राशन डीलर की बदसलूकी लोगों के साथ देखने को मिली है, वीडियो इस पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दूं, जनपद संभल के ग्राम मोहबुल का मामला है पूरा, और राशन डीलर की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें मारपीट करते हुए कटहरे पे नहीं रह रहे हैं। आप तस्वीर हम साफ तौर से देख सकते हो, और इसमें अधिकारियों की मिली भगत का सब चलता है और राशन डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। मुबारक, इस पूरे मामले को लेकर अभी हमारी टीम ने जिलाधिकारी संभल से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन फोन पर संभल के जिलाधिकारी बोल रहे हैं कि उन्हें उस पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है।
जानकारी हमसे डीएम साहब ने हमने खुद बातचीत की थी और उन्होंने फोन नहीं उठाया, हमारा फोन उठाने के बावजूद भी कई बार फोन लगाने की कोशिश करी गई और उसमें कहा आप मीटिंग में है, मीटिंग में कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, उसमें कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और राशन डीलरों का एक बार मामला सामने आया है और संभल जिले में यही हालात है। एक तरफ योगी सरकार लाख दावे कर रही है राशन वितरण को लेकर और दूसरी तरफ योगी के अधिकारी लापरवाही करने में आ रहे हैं। जी मुबारक, क्या कुछ अनियमितताएं वहां के लोगों को देखने को मिल रही है, पवासा ब्लॉक के लोगों को, और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, राशन डीलर किस प्रकार से उनके साथ दबंगई कर रहा है? राशन डीलर का ऐसा पहला मामला सामने नहीं आया, पूरे ये 5 किलो यूनिट का गल्ला कम देते हैं और दूसरा योगी सरकार ने नई पहल चलाई है उसकी रिफाइंड थैली की और चने की और इनके लाभार्थियों को नहीं पहुँच पा रहा है। जी मुबारक, इस पूरे मामले में अभी क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की है? हमने कई बार कोशिश करी फोन लगाने की, उनका फोन नहीं उठा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक आपको इस तमाम जानकारी के लिए। तो संभल से ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे फ्री राशन में भी अब धांधलेबाजी देखने को मिल रही है, जहां पर राशन डीलर लोगों के साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला संभल के पवासा ब्लॉक का है। वहीं अगली खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां पर कलेक्ट्रेट में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन पर निशाना साधा। बता दें कि सैयद राजा विधानसभा में 4 धान क्रय केंद्र बंद हो रहे हैं, जिस क्रम में क्रय केंद्र में फिर से खुलवाने के लिए पूर्व विधायक जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। पूर्व विधायक ने बताया कि डीएम ने आश्वासन दिया था कि क्रय केंद्र की समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, कुछ निर्णय डीएम ने नहीं लिए हैं और अगर बंद धान क्रय केंद्र नहीं खोले गए तो प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ विधायक ने किसानों के साथ मिलकर बड़ा एक्शन लेने की भी बात कही है। विधायक जी, आप कलेक्टर पर आए, कल भी आए थे, आज पुनः फिर आए हैं, क्या है समस्या? देखिए सैयद राजा विधानसभा में 4 क्रय केंद्र बंद हो रहे हैं। मैंने ही डीएम साहब से कहा था कि डीएम साहब ये बंद होने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नज़दीक हो गए थे इसलिए इसको बंद कर रहे हैं और उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। फिर मैंने पता लगाया कि ये 3 जो शिफ्ट हो रहे हैं 3 जगह, लेकिन 3 खुल रहे हैं 4 बंद हो रहे हैं। मैंने डीएम साहब से कहा कि डीएम साहब 3 जो शिफ्ट हो रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, आपके ऊपर बहुत दबाव है और आप शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, शिफ्ट कर दीजिए, वो विधानसभा में ही रहेगा, इस गांव से उस गांव चला जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो एक बंद हो रहा है वो बंद होने का काम न हो। डीएम साहब 24 घंटे का समय लिए थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसा दबाव उनके ऊपर है कि वो 24 घंटे के बाद भी निर्णय नहीं ले पाए। मैं आज फिर आया हूँ और 2 घंटे का समय फिर ये लोग मांग रहे हैं। मैं 2 घंटे का नहीं, फिर कल तक का समय देता हूँ और मैं ये वार्निंग के साथ देता हूँ के 2 दिन शांति से हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र से विनती करते रह गए, लेकिन वो प्रेम से नहीं माना, जब उनका क्रोध रूप हुआ तो समुद्र भी मान गया और मुझे लग रहा है कि कल अपना क्रोध रूप में आना पड़ेगा, तभी ये लोग मानने का काम करेंगे। अगर शाम तक कोई वही फरीदाबाद में 8वीं के छात्र का शव मिलने के बाद डबुआ इलाके में लोगों ने सिविल अस्पताल के मोर्चरी पर हंगामा किया। कई दिनों से छात्र लापता बताया जा रहा था, जिसके बाद परिजनों ने डबुआ थाने में मामले की शिकायत की थी। मामले में जांच अधिकारी जमशेद खान पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। पुलिस बल ACP के मुताबिक मामले में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। कि जब इस बच्चे के साथ ऐसी हरकत हो सकती है तो हमारे बच्चों के साथ भी ऐसी हरकत हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं स्टैंड करना पड़ेगा और हमारे बच्चों की रक्षा के लिए मैं खुद मैदान में उतरा हूँ इनकी मदद के लिए, और मैं गुहार लगाता हूँ पुलिस प्रशासन से। जिस तरीके से ये दोषी पक्षों का बचाव करती आती है, ठीक है, सजा नहीं देती है उनको और कहीं ना कहीं बचाती नजर आती है। मैं चाहता हूँ आपने जो ये वर्दी पहनी है, पुलिस कहाँ बचाव कर रही है? मामला दर्ज हो चुका है, एक गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस लापरवाही कहाँ कर रही है ये बताएं। मैं बताता हूँ, 13 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी, 13 तारीख को एप्लीकेशन देने के बाद 14 तारीख को FIR में कन्वर्ट हुई, जो वो भी जनता के दबाव के बाद कन्वर्ट हुई। 14 तारीख को एक बंदा गिरफ्तार किया गया, ठीक है, ऑटो वाला, उस ऑटो वाले को सारी जानकारी दी, उसके ऊपर कोई जानकारी का दबाव नहीं बनाया गया किसी तरीके का, उसको बैठा के आराम से उसको खाना पीना खिलाया गया।
वहीं मिर्जापुर में पार्टी से लौटे छात्र की चाय की दुकान पर लाठी से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद उसके साथ छात्रों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने कचरा कोतवाली के मनबड़ इंचार्ज को न हटाने पर थाना व जिला मुख्यालय घेरने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि दो दिन पहले छात्र अपने दोस्त के जन्मदिन पार्टी से लौटा था। इसी बीच कचरा कोतवाली इंचार्ज दलबल के साथ पहुंचे। इस दौरान बात के बीच ही छात्र रविशंकर को लाठी डंडों से पीटा गया। इतना ही नहीं, उसे पुलिस वाहन में भरकर कई राउंड भी पीटा गया। हिरासत में लेने के बाद भी परिजनों से बात नहीं करने दिया गया। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए साथी छात्रों ने कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मेरा नाम सबसे पहले तो प्रतीक पांडे है। मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ केबीपीजी कॉलेज से। एक छात्र था रवि। रवि को कटरा कोतवाली की पुलिस ने डंडे से लाठी से खूब पीटा, और पीटने का उद्देश्य जो रहा उनका एवो रहा हो, जो भी रहा हो ये मैं नहीं जानता। सत्य यह है कि वो निर्दोष था और उसको लाठी से पीटा गया है। उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है SHO कटरा कोतवाली को, तो हम लोग ये प्रदर्शन आगे भी करेंगे। सैकड़ों के छात्रों में ये हुजूम पूरे कटरा कोतवाली को घेरेगा, जो कटरा कोतवाली का थाना है उसको घेरेगा, इसके साथ साथ कचहरी परिसर को भी घेरने का काम करेगा, क्योंकि हमको न्याय चाहिए। मामला अभी कुछ लड़के आए थे KVPG कॉलेज वगैरह के और बिन्नानी के लड़के आए थे। ये मामला संज्ञान में सुबह आया है। इसमें जो है CUCT को जांच दे दी गई है कि इस मामले की पूरी जांच कर लें और वास्तविकता क्या है। कटरा पुलिस के कुछ स्टाफ पर इस तरह का एलिगेशन बताया गया था। रात में देर रात का कोई कहीं चेक कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रथम दृष्टया बताया गया है। चेक करके जो भी जाँच होगी CUCT जाँच कर लेंगे, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तदनुसार विधि का। फरुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष मोहन अग्रवाल को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश नेतृत्व में संगठन संरक्षक नरेश अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। बता दें कि समाजसेवी मोहन अग्रवाल गरीबों पीड़ितों के हितों की लड़ाई लड़ने की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के मुद्दे को लेकर उन्होंने रैली भी की थी और उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया भी था। वहीं पर कई दिनों से लखनऊ स्थित वैश्य समाज और व्यापार संगठन जैसे कई कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं। हालांकि नरेश अग्रवाल से उनके काफी अच्छे संबंध हैं, जिसके चलते आज उन्हें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, जिसका मोहन अग्रवाल ने स्वयं आभार व्यक्त किया। और मोहन अग्रवाल ने बताया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे। व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए माननीय नरेश अग्रवाल जी ने उत्तर प्रदेश में बीड़ा उठाया है, और व्यापारियों के हित के लिए जो संगठन उन्होंने बनाया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, जिसमें मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका हम लोग बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। क्या इस संगठन के तहत व्यापारी वर्ग जो है उसको आपको क्या लगता है किस तरीके का लाभ हो सकता है? देखिए, व्यापारियों को बहुत समस्याएं होती हैं। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित समस्या है, कभी घूसखोरी से संबंधित समस्या है, कभी कोई सरकार की नीति से समस्या है, तो उन सब चीजों को एक संगठन के माध्यम से आसानी से सरकार तक पहुँचाया जा सकता है, और जो चीजें ठीक की जा सकती हैं सरकार के माध्यम से वो आसानी से ठीक भी हो। फतेहपुर के भिटौरा ब्लॉक के सिहार ग्राम सभा के RCC सड़क बनी हुई है, और कहा जा रहा है कि यह RCC सड़क मानकों के विपरीत बनी है। प्रधान की तरफ से खरंजे के ईंटे उखाड़ कर उस पर परत बिछाकर उसी में डलवाई गई है। बता दें कि मामले को लेकर कई ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अधिकारी से शिकायत की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लगभग 4,55,000 रुपए की लागत से बनी इस मानक विहीन RCC सड़क की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपए लेकर आवास दिया जाता है, रुपए न देने पर नाम काट दिया जाएगा और शिकायत करने पर उनके गुर्गे लाभार्थियों को धमकाते आते हैं। आगे ग्रामीणों ने कहा कि अगर सही से जांच की जाए तो शौचालय खड़ंजा रोड आवास में धांधली का पता चल जाएगा। रोड का क्या मामला है RCC का? अरे भाई, ना का बना है, एक इंच मसाला नहीं ना। आपने इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारी से की? अभी का कोई बात नहीं, अभी तक चली। क्या नाम है आपका? माता दीन। कहाँ के निवासी? रामपुर।
जो बनी है क्या मामला है जी? बहुत खराब है, मसाले नहीं ना है मैं कुछ, साले खान उधर के बाहर हो जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिश्री लाल। कहाँ के निवासी? रामपुर जी। का क्या मामला है जो रोड का मामला? यार सीसी का ठीक से रोड नहीं बना और जो खरिंजा लगा रहा तो उसका उसका के पट करवा दिए हमें और वही मसाला मालक के हिसाब से नहीं पड़ा। अच्छा तो यही से लिए हमको। क्या नाम है आपका? दीप पाल नाम। कहाँ के निवासी? नई प्रतापगढ़ में शाखा चालकों के साथ हो रही लूट की घटना को देखते हुए सीओ लालगंज की अध्यक्षता में सर्किल के 3 थाना क्षेत्र में चल रहे टाइनी शाखा के संचालकों के साथ लालगंज थाने में बैठक की गई। बैठक के दौरान सीओ लालगंज राम सूरत सोनकर ने टाइनी संचालकों से सतर्कता बरतने के लिए जानकारी दी। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर बनाए रखने और अधिक पैसे के लेन देन करने के में नजदीकी चौकी व बीट सिपाही नजदीकी थाने में सूचना की भी जानकारी दी गई, साथ ही उनकी समस्याओं पर भी जानकारी ली गई। कराया जा रहा है अपराधियों के सत्यापन, बैंक कर्मियों की सुरक्षा करना व बड़े व्यापारियों से वार्ता करके उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए एक डायनी शाखा की मीटिंग सर्किल वाइज चारों थाना का थाना लालगंज के प्रांगण में किया गया। डायनी शाखा में बैंक के सभी कर्मचारी जो मैनेजर हैं वो उपस्थित हुए। उनसे वार्ता करने के बाद उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनको और जो आईजी रेन महोदय और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस महोदय द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था उसी के परिप्रेक्ष्य में उनसे वार्ता किया गया उनकी सुरक्षा के लिए, बैंक की सुरक्षा के लिए प्लस। ताज नगरी आगरा में मानसिक रूप से बीमार युवक के साथ बुरा व्यवहार किया गया। दरअसल कई महीनों से युवक मानसिक रूप से बीमार चल रहा है और परिजन युवक का इलाज करवा रहे थे, लेकिन इलाज के बाद भी युवक की सेहत में सुधार नहीं हुआ और यह भी कहा गया कि बीमार होने की वजह से उसने कई बार ग्रामीणों पर हमला भी किया है। इसी वजह से परेशान होकर परिजनों ने बीमार युवक को पेड़ से बांध दिया। 6 महीने से युवक पेड़ से बंधा हुआ है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपका क्या नाम है? राम लखेली। अच्छा ये कौन है आपका लड़का? अच्छा इसको क्यों मानते हैं आप? हैं? इसको मानते के क्यों? मानते तो नहीं है जी, जानने आपका पैसे ही मुझे बने नहीं, मैं दे रहा हूँ तो साला मारपीट कर तो बने नहीं मार रहे हैं तो छूटे में तो आग लगा दे बड़ा बड़ा बरा दे इसे करा ना उड़ाना फिर बरा दे। ये कब से बांधती है? बहुत वक्त से है गई जी, बनो तो 5-6 महीना से डुकरा नहीं रहे मार के फेंक दे। उस वहीं बुलंदशहर में हैवानियत की हद पार करने वाला मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म में नाकाम रहने पर एक दलित महिला की गर्दन रेत दी गई। घटना कोतवाली जंगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव भोपुर की बताई जा रही है, जहां पर खेत में चारा काटने के दौरान 50 वर्षीय दलित महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिसका विरोध करने पर दराती से गर्दन रेत कर आरोपी मौके से फरार हो गया। खेत में पहुंचे बेटे की मां ने खून से लथपथ शव को देखा। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़िता के बेटे ने पूरे मामले में FIR दर्ज कराई है। देखिए 55 वर्षीय महिला थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के भोपुर गांव में अपने खेत पर गई हुई थी, उम्र लगभग 55 ईयर्स है। उसी गांव का एक ललित नाम का व्यक्ति जिसके बारे में बताया जाता है गांजा भांग का सेवन करता है, उसके द्वारा किसी बात पे रुष्ट होकर के दराती से उसके ऊपर अटैक किया गया, गर्दन में चोट आई। यद्यपि महिला इलाजरत है और खतरे के बाहर है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, गंभीर धारा में अभियोग दर्ज है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।